LS4CEP में जो आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसके जो एंड पे है ना, यहाँ पे हमारे ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक लॉक मिलेगा। और यही मेन डिफरेंस है, जो एलिस है, टिश्यू फोर्सेप आर यूज फॉर ग्रास्पिंग ऑर्गन्स एंड द स्लिपरी ऑर्गन्स। लाइक जो स्लिपरी ऑर्गन्स को होल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जब भी आप स्लिपरी ऑर्गन्स को इससे होल्ड करोगे, इस स्ट्रक्चर से होल्ड करोगे, तो क्या होगा, वो जो ऑर्गन है वो स्लिप नहीं करेगा, है ना, ड्यूरिंग योर प्रोसीजर्स। सो इट इज़ मेनली यूज फॉर होल्डिंग द स्लिपरी ऑर्गन्स और द डेंस टिश्यू ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो सर्जरी। सो एलिस फोर्सेप भी आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लाइक नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा गया है एलिस फोर्सेप। तो आप देख लीजिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस ये बहुत लॉन्ग होता है, इसमें एक लॉक होता है और इसके एंड पे जो है ये प्लेन होता है, इसका एंड ना प्लेन होता है और एंड में आपका एक लॉक मिलता है। क्लियर?